बेगूसराय टुडे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी ठाकुर। खगड़िया जिले के परवत्ता प्रखंड अंतर्गत सौर दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के भरतखंड डिहोरी गांव के ग्रामीण सरकारी उपेक्षाओं का दंश झेल रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे विश्व में फैला कोरोना महामारी से कौन नहीं अवगत है, बावजूद इसके यहाँ के मुखिया के द्वारा मास्क तो दूर की बात है, गाँव को सैनिटाइज भी नहीं करवाया गया है। बावजूद इसके यहाँ के स्थानीय कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। हालात तो ये है कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासी गांव में इधर उधर घूमते नजर आते हैं, जिस पर गांव के प्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं जाता है, जिससे गांव के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हुआ है। देखिए खगड़िया से बीटी न्यूज बिहार के लिए पवन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। क्या दिक्कत है आपके पंचायत में? बगल में क्वारंटाइन सेंटर बन गया है, बंद करके निरक्षरता पूरा गांव घूम रहा है, दूषित करेगा वातावरण गांव का। आपके यहां से छिड़काव किया गया? आपके यहां कोई कहीं व्यवस्था कुछ नहीं है। बीटी न्यूज से पवन कुमार सिंह का रिपोर्ट खगड़िया से। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार सिंह। क्या दिक्कत है? हम लोग के गाँव में न तो सैनिटाइज अच्छी छिड़काव हुआ है, न तो किसी कोई मास्क बांटने के लिए आया, न ब्लॉक तरफ से ना पंचायत की तरफ। कौन सा पंचायत है आपका? सौर दक्षिणी। सौर दक्षिणी। हाँ। मुखिया जी के द्वारा नहीं हुआ आपके यहाँ? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कौशल कुमार सिंह। क्या दिक्कत है? मुखिया के द्वारा यहाँ किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं किया गया है, ना मास्क वितरण हुआ, ना साबुन का वितरण हुआ, ना गांव में सैनिटाइज किया गया है। बाहर से लोग आ रहे हैं उसका भी कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के बगल में क्वारंटाइन सेंटर खुल गया है, उससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? कुमार कौशलेंद्र। क्या दिक्कत है आपके गांव में? मेरे गांव में बगल में क्वारंटाइन सेंटर खुल गया है, उसके बाद सारा लोग बाहर घूमने निकलता है, समूचा गांव में मेरे गांव में घुस जाता है लेट्रिन बाथरूम करने के लिए। ये प्रॉब्लम है और मुखिया के द्वारा ना सैनिटाइज हुआ है, ना मास्क वितरण हुआ है, ये सब चीज कुछ काम नहीं हुआ। हम लोग तो एकदम बीच मझधार में फंसे हुए हैं। आपके यहाँ छिड़काव किया गया कि नहीं? नहीं, कोई छिड़काव नहीं हुआ है सर।